Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. चांदनी चौक लोकसभा के अशोक विहार रामलीला मैदान में इस समय हमारी मौजूदगी है और आपके कानों में जो इस समय आवाज सुनाई दे रही है वो कन्हैया कुमार की है। जी हाँ, कन्हैया कुमार इस समय मंच से ये जो जनसभा में लोग आए हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं और पीछे भाषण दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर के बाद राहुल गांधी भी यहाँ पर जो है आने वाले हैं इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने, और आप इस समय भीड़ देख सकते हैं कि जो कन्हैया कुमार इस समय मंच से बोल रहे हैं तो लोग उन्हें किस संजीदगी के साथ, किस गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। और साथ के साथ जब कन्हैया कुमार सरकार पर हमला बोल रहे हैं अपने मंच से इस भाषण के जरिए तो लोग उन्हें चीयर्स भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस चुनावी रैली में राहुल गांधी अब से कुछ देर के बाद आने वाले हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस चुनावी रैली में उन्हें नहीं बुलाया गया या वो नहीं आए, इसको लेकर एक चर्चा हो रही थी। लेकिन आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इसी समय पे चुनावी जनसभा को यानी नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे हैं, लगातार नुक्कड़ सभा कर रहे हैं पश्चिमी दिल्ली में, जिस समय यहाँ पर आज कांग्रेस की रैली हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से बल्ली मारन से विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन, अखिलेश त्रिपाठी और राजेश ऋषि, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी डेलीगेशन इस समय मंच पर मौजूद है। यानी इंडिया अलायंस की जो ताकत है एक साथ चुनाव लड़ने की, उसका संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राहुल गांधी के सपोर्ट में इस चुनावी रैली में आए हैं, मंच पर मौजूद हैं, बैठे हैं। अब राहुल गांधी किस तरीके से इस जनसभा को संबोधित करते हैं, क्या मुद्दे सेट करते हैं, और ये जो भीड़ राहुल गांधी को सुनने के लिए यहाँ पर आई है और जिस तरीके से कन्हैया कुमार इस समय सरकार पर हमला बोल रहे हैं, अब आज 18 तारीख है, राहुल गांधी का आज यहाँ पर भाषण होगा, चुनावी रैली होगी, जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन एक हफ्ते के बाद जो ये भीड़ है और जो आज राहुल गांधी यहाँ पर दिल्ली के चुनावी का जो आगाज कर रहे हैं, अब ये एक हफ्ते के बाद जब चुनाव पड़ेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर वोट पड़ेगा, क्या ये जो कन्हैया कुमार लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने तीखे भाषणों से, ये वोट में तब्दील हो जाएगा या नहीं, हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन नितेश के साथ दिनेश यादव, दिल्ली तक के लिए।